Now we will see some phenomena in our daily life which are explained on the basis of refraction. हम अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन के बेसिस पे. अब वन बाई वन करके हम उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसे आपके पास ना मान लो एक ग्लास है या कोई ऐसे टब है जिसमें क्या कर रहे हैं, आपने ना कोई पेंसिल या कोई स्टिक डाली हुई है उसके अंदर, इंक्लाइंड वे में खड़ी की हुई है. इफ़ अ स्ट्रेट स्टिक इज पार्शली पुट इन वाटर इट अपीयर्स टू बी इंक्लाइंड. तो वो आपको क्या होती है, वो टेढ़ी दिखाई देती है. आपको ऐसा लगता है कि वैसे तो सीधी थी ये, लेकिन अब जब पानी में इसको रख दिया है तो ये मुड़ गई है, बैंड हो गई है. तो देखिए, जैसे ये पेंसिल रखी हुई है आपकी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप आई लगा के देख रहे हो इसको, तो ये चीज़ आप एक्चुअल में यहाँ पे है. तो जो लाइट रे पहले मीडियम से आई रिफ्रैक्ट यहाँ पे पहुँची, तो आपको आँख में तब दिखाई देगी वो जब यहाँ से ये जो लाइट रे जाएंगी ऐसे करके मीडियम में आ रही हैं. तो ये देख रहे हो कि आप ये नॉर्मल है आपका, तो ये पानी है, बाहर एयर है, यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, आपकी आँख तो पानी में नहीं है, वो तो एयर में है. तो ये जो रेज हैं आपके पास, ये नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएंगी. रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी आपके पास वाटर में, ये यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, रिफ्रैक्ट होके जाएंगी आपकी आँख में, तभी आपको दिखाई देगी. ठीक है, तो जब ये बाहर जाती हैं तो मीडियम में दूर हो जाती हैं. जैसे यहाँ पे है तो ये एंगल कम है, क्योंकि पानी ये है क्या है, ये वाटर है, और वाटर है तो ये कैसा मीडियम है, डेंसर. तो ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है तो ये रेयरर मीडियम है. हमने क्या पढ़ा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में, जब लाइट रेज हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती हैं तो वो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती हैं. ऐसे ही ये नॉर्मल से दूर बैंड होगी, मतलब लाइट की स्पीड यहाँ पे कम थी, यहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा है. तो इसलिए जो यहाँ पे ह्यूमन आई है ऑब्जर्वर की, उसको ऐसा लगता है कि भाई लाइट तो ऐसे जा रही है ना उसकी आँख में, तो उस टेढ़ी तो जाएगी नहीं लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो उसको ऐसा लगता है कि शायद पेंसिल की ये वाली टिप यहाँ पे है, दैट इज़ वाई उसको वो बैंड दिखती है. दूसरा फिनोमेना है, इफ़ वी सी अ कॉइन इन वाटर टैंक देन कॉइन अपीयर्स टू बी अपराइज, इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी कनकेव शेप्ड ऑल्दो इट्स फ्लैट. मान लो पानी में अगर आपने कोई कॉइन डाल दिया है, या जैसे किसी स्विमिंग पूल की जो फ्लोर होता है वो आपको कंपैरेटिवली ऊपर दिखता है, इसी वजह से जिस वजह से ये दिख रहा है यहाँ पे. ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा होता तो उसमें भी ऑब्जर्वर को ऐसा लगता कि वो कॉइन यहाँ पे कहीं है आपके पास, क्योंकि ऑब्जर्वर जहाँ पे भी आई करके बैठा हुआ होगा, आँख से देख रहा होगा, तो वो इमेज कॉइन की हमेशा उसको ऊपर दिखाई देगी. इसी वजह से जो कई बार फ्लोर होता है हमें लगता है कि पानी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर पानी क्या होता है, मतलब पानी लगता है कि कम है लेकिन होता ज़्यादा है, हमें उसका जो फ्लोर है वो ऊपर दिखता है. थर्ड है, द सन इज विजिबल अ फ्यू मिनट्स अर्लियर देन इट एक्चुअली राइजेज अबव द होरिजन एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ. द डेंसिटी ऑफ एयर लेयर डिक्रीजेज देन रेज फ्रॉम सन कीप ऑन बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल टिल इट एंटर्स द आई. अब देखिए, जब आप ये चीज़ एक्सप्लेन करते हो तो आपको ये समझना है कि सन जो है हमारा एक्चुअल में यहाँ है, और यहाँ से मतलब ये नहीं है कि भाई ये डाउन है, अर्थ के नीचे नहीं होता है सन, सन तो हमेशा ऊपर स्पेस में ही है. बट जो हमारी आईसाइट है उसका जो होरिजन है, ठीक है, उससे सुबह अभी वो क्या है, पूरा का पूरा जिस हेमिस्फीयर में है, मैं सपोज करो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो अभी वो हमारे हेमिस्फीयर में आया नहीं है. अर्थ की पोजीशन अभी ऐसे है, अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अभी उसकी पोजीशन ऐसे नहीं आई है. होगा क्या, आपको एक्चुअल में सन यहाँ पे है लेकिन आपको वो ऊपर दिख रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ से जो सनलाइट्स निकल रही हैं, अर्थ के जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, तो आपको पता है कि हर किसी में से लाइट को क्रॉस होकर आना पड़ रहा है, हर किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग है. तो लाइट कंटिन्यूसली बैंड होके यहाँ से बैंड होगी, फिर बैंड होगी, फिर बैंड होगी, ऐसे बैंड होते होते आँख में यहाँ पहुँचती है. जब ह्यूमन आई में पहुँच रही है लाइट, तो वो आई को ऐसा लग रहा है कि भाई शायद इधर से आ रही है लाइट. और ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि ह्यूमन आई को कोई भी चीज़ वहाँ दिखाई देती है जहाँ जिस डायरेक्शन में लाइट एंटर कर रही होती है, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो ये जो लाइन है आपके पास, ये ऐसे पीछे जहाँ पे भी हम एक्सटेंड करेंगे वहाँ पे सन हमें दिखाई देगा, क्योंकि लाइट आँख को नहीं पता कि लाइट ऐसे बैंड होके आ रही है. ठीक है, तो ये बैंडिंग आई एक्सेप्ट नहीं करती, आई को पता है कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट आनी चाहिए, स्ट्रेट यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए ये वाला सन यहाँ पे दिखाई देता है हमें. तो दो मिनट के आसपास हमें जल्दी दिख जाता है,
और यही रीजन तब होता है जब हम क्या करते हैं, सनसेट की बात करते हैं। सनसेट क्या होता है, 2 मिनट बाद होता है, एक्चुअल में हो चुका होता है लेकिन तब भी सनलाइट हमारे पास आ रही होती है। तो सनराइज जल्दी दिखता है आपको और सनलाइट देर तक दिखता रहता है, उसकी वजह से डे की जो लेंथ है वो करीब 4 मिनट बढ़ जाती है। फॉर द सेम रीजन इट कीप्स अपियरिंग 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट, जो मैंने आपको अभी बात बताई है। हैंस द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट इज 4 मिनट लॉन्गर, द डे देयर फोर गेट्स लॉन्गर फॉर 4 मिनट्स, दिन जो है हमारा वो 4 मिनट बड़ा होता है। एक्चुअल पोजिशन यहाँ पे है, अपरेंट पोजिशन यहाँ पे, ये बंदा खड़ा हुआ है अर्थ पे यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार ना इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कन्फ्यूज कर जाते हैं कि शायद नीचे से आ रहा है सन, तो सन नीचे नहीं है अर्थ के, वो स्पेस में ही है ऊपर, ऐसे इमेजिन करना है आपको। और ये आपका अगर फ्लैट अर्थ, देखो अर्थ हमारी ये स्फेरिकल मॉडल में है तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही दिखेगा सन तो सामने जहाँ पे है, फिर वहीं दिख जाएगा आपको, लाइट आएगी बैंड होकर ऐसे। तो ये आपको केयरफुली समझना है इन दोनों का डिफरेंस। तो बेंडिंग आपकी हो रही है उसे ही हम रिफ्रेक्शन बोलते हैं। हर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जितनी डिफरेंट लेयर्स हैं सब में अलग अलग अमाउंट से हमारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होके हमारी आंख में आ रही है। अब जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, इसमें भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और आपकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो दोनों ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देखिए द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर एज वी नो गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस अबाउट द सी लेवल इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो जो एटमोसफेयरिक लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हमारी चेंज हो जाती है। तो जो लाइट हमारी आंख में आ रही होती है तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रही होती है, एक तो पहले मीडियम से आई अलग से, उसके बाद हमारे एटमोसफेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर जो होती हैं, उन सब से वो स्ट्रगल करते हुए आती है और उसके बाद हमारी आईज में आती है। तो इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई शायद ये ट्विंकल कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारी आंख में लाइट कॉन्टिन्यूअसली नहीं आ रही है, इसलिए हमें वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। देयरफॉर द लाइट फ्रॉम हेवनली बॉडी सच एज स्टार्स गोज ऑन ग्रेजुअली बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल एज इट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर, इसी वजह से हमें क्या होता है, स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों का हाथ है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन का भी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वेपर डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। चलिए अब देखते हैं, एज ऑब्जेक्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सीन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रीचिंग द ऑब्जर्वर्स आइज, आदमी की आंख में, ह्यूमन की आई में जिस एंगल पे लाइट एंटर कर रही है वहीं पे उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नीचे या ऊपर नहीं। द स्टार अपियर्स हायर अप इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, यानी स्टार जो है आपको वो एक्चुअल पोजिशन से भी ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं आपको। द डेंसिटीज ऑफ वेरियस लेयर गो ऑन वेरिंग ड्यू टू कन्वेक्शन करंट सेटअप इन एयर बाय टेम्परेचर डिफरेंस, आपको पता है कि भाई स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता जाता है, और इन टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से आपको पता है जिधर हीट ज़्यादा होती है वहाँ से कम हीट की तरफ हमारी क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, हीट या कन्वेक्शन करंट। लाइट फ्रॉम अ स्टार पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर चेंजेस इस पाथ फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द आई इज नॉट ऑलवेज द सेम, तो अमाउंट ऑफ लाइट हमारा क्या है वो सेम नहीं है। जैसे आपको बताया था कि भाई अगर वाटर से, एयर से वाटर में जा रही है तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है जो अननोटिस चला जाता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, कम रहती है। ऐसे ही ह्यूमन आई में जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी भी हर टाइम सेम नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। दिस इंक्रीज और डिक्रीज, ये और है, और डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द आई रिजल्ट इन चेंज इन अपरेंट पोजिशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो ये हमारे पास रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमें स्टार क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स।